ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई मौत से ईरान समेत उसके समर्थक सकते में हैं। रायसी के दर्दनाक हादसे में हुई मौत से ईरान को बड़ा झटका लगा है। ईरान की सरकारी मीडिया ने मौत की पुष्टि करते हुए राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी और विदेश मंत्री को शहीद बताया है। बताया जाता है कि कट्टरपंथी विचारों के लिए मशहूर 63 वर्षीय रायसी को खामनेई का उत्तराधिकारी माना जा रहा था। ऐसे वक्त पर राष्ट्रपति रायसी का यूं असमय निधन जाहिर तौर पर ईरान के लिए एक धक्के से कम नहीं है। दरअसल ईरान के सबसे ताकतवर व्यक्ति आयतुल्ला अली खामनेई की उम्र पहले ही 85 साल की हो चुकी है। ऐसे में ईरान का नेतृत्व करने के लिए किसी काबिल भरोसेमंद चेहरे की तलाश काफी अहम और चुनौतीपूर्ण रहने वाली है। बता दें कि साल 2021 में राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए रायसी ने बेहद ही कम समय में ईरान को मिडिल ईस्ट की अहम धुरी बना दिया था, जिनकी मौत की गूंज अब पूरे मिडिल ईस्ट में साफ तौर से सुनाई दे सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान ने लेबनान, सीरिया, इराक, यमन और फिलिस्तीनी इलाकों में अपने प्रॉक्सीज की मजबूत सेना खड़ी कर रखी है, जो ईरान के एक इशारे पर इसराइल, अमेरिका समेत पश्चिमी देशों पर कहर बरपा सकते हैं। मालूम हो कि इसराइल हमास युद्ध के बाद से ईरान मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है, जहां उसने सऊदी अरब जैसे देशों को पछाड़ते हुए मिडिल ईस्ट में अपना वर्चस्व कायम किया है। बीते अप्रैल महीने में ही पहली बार ईरान ने अपने कट्टर दुश्मन इसराइल पर 350 से ज्यादा हवाई हमले दागकर अपना बदला चुकता किया था, जिसके बाद से मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच गया था और दुनिया भर के देश एक और युद्ध की आशंका लगा बैठे थे। बता दें कि इसराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के वाणिज्यिक दूतावास पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें IRGC के 2 टॉप कमांडर समेत 9 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद तमतमाए ईरान ने इसराइल को नतीजा भुगतने की चेतावनी दी थी। पिछले कुछ सालों में ईरान और अमेरिका के रिश्तों में भी काफी तनाव देखा गया है। ईरान के रूस को ड्रोन और मिसाइलों की सप्लाई को लेकर अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंधों की झड़ी लगा रखी है। बावजूद इसके ईरान ने अपने हथियारों के जखीरे में एक से बढ़कर एक हथियार इकट्ठा करने में कोई कमी नहीं की। माना जाता है कि इब्राहिम रायसी के कार्यकाल में कई मौकों पर देखा गया कि ईरान ने अमेरिका से पंगा लिया और ईरान का मिडिल ईस्ट में बढ़ता कद देख अमेरिका समेत इसराइल दोनों ही उसे किसी न किसी तरह के प्रतिबंधों के जाल में फंसाकर रोकने की कोशिश करते रहते हैं। ईरान मामलों के जानकारों की माने तो रईसी की अचानक मौत का ईरान के शासन पर कोई खास असर नहीं होगा। इसका जो कुछ भी असर होगा वो खास तौर से घरेलू स्तर पर ही होगा। एक्सपर्ट्स की माने तो रईसी की मौत से ना तो ईरान की इसराइल के साथ दुश्मनी बदलने वाली है, ना ही हमास, हिजबुल्ला और हूतियों के जरिए चलाए जाने वाले प्रॉक्सी वॉर थमने वाला है। दावा किया जा रहा है कि ईरान की सारी आक्रामक नीतियां पहले की तरह ही काम करेंगी। माना तो ये भी जा रहा है कि रईसी की मौत से ईरान मिडिल ईस्ट में और खतरनाक रुख अख्तियार कर सकता है, जिससे इसराइल और अमेरिका जैसे देशों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि रईसी की मौत महज एक हादसा थी या फिर साजिश। अगर इसमें जरा सी भी साजिश की बू आती है तो ईरान बिल्कुल भी शांत नहीं रहने वाला है, खासतौर से ईरान के सुप्रीम लीडर जो रईसी को बेहद खास मानते थे, जो उन्हें भविष्य का सुप्रीम लीडर का दर्जा देने जा रहे थे। ऐसे में रईसी की मौत ईरान के लिए बड़े झटके से कम नहीं है।